जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सालिक है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेन अप कॉइन के लेके। याद रहेगा अगर आप टेन अप कॉइन जो है वो बाय करना चाहते हैं और कब किस किस लेवल पे बाय करना चाहिए ये आपको पता चल जाएगा, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी बाय करने के बाद लॉस में है उन्हें किस तरीके की स्ट्रेटेजीज अपनानी चाहिए। याद रखिएगा इस मुकम्मल वीडियो के अंदर मैं आपके साथ तमाम के तमाम अपडेट जो है वो शेयर करूंगा। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को जो आपने मुकम्मल एंड तक देखना है। सबसे पहले देखो इस चीज़ को समझ लो कि जब हम 2024 और 2025 के अंदर खड़े हैं बुलन के अंदर, ठीक है, तो क्या दूसरे कॉइन की तरह प्रोडक्ट की तरह क्या ये प्रोडक्ट भी हमें सुपर बुलिश स्काई रॉकेट यहाँ के ब्लास्ट होता हुआ नजर आएगा? क्या ये अपने पुराने ऑल टाइम हाई को हिट करता हुआ नजर आएगा? तो जवाब है हाँ, ये इजीली $1 को हिट करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, क्यों आएगा अब मैं आगे बताने लगा, ठीक है। स्पेशली उन लोगों को समझ लो कि जिन्होंने अब जो प्रेजेंट टाइम में लॉस में है उन्हें क्या करना है, ठीक है। आप लॉस में उस वक्त तक नहीं हो जब तक आपने जो है वो लॉस में सेल नहीं किया, ठीक है ना, यानी कि आपने लॉस बुक नहीं किया उस वक्त तक आप प्रॉफिट में हो, ठीक है। और प्रॉफिट में रहने के लिए आपको जो है वो पेशेंस करना पड़ेगा, होल्डिंग करनी पड़ेगी, यहाँ पर जो है प्रोडक्ट को लेकर अप टू डेट रहना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ यूट्यूब के अंदर जब आप सर्च करते हो तो एज सच आपको वीडियोस नहीं मिलती टेनअप को लेकर, जिसके आपको तो कॉन्फिडेंस है। याद रखो कि जब भी आप लॉस के अंदर होते हो तो आपको इस चीज़ के ऊपर डाउट होता है, इंसान इस चीज़ के ऊपर शक में होता है कि यार क्या मैं लेने के बाद जो मैंने क्या गलत फैसला किया वो गलत तो नहीं है, क्या मैंने कोई गलती तो नहीं की, ठीक है। तो ये चीज़ देखने के लिए इसको आप अपने आपको मुतमईन करने के लिए जो है वो यूट्यूब के ऊपर सर्च करते हो, ठीक है। एज सच आपको वो कंटेंट नहीं मिल पाता, ठीक है। हाँ, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की तरफ से अगर मैं कहूँगा तो ठीक है, वहाँ पर आपको पूरी पूरी मुकम्मल वीडियोज जो है आपको मिल जाती है चैनल के अंदर उस प्रोडक्ट को लेके, अब ए टू जेड अपडेट मिल जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँ कि अब हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रोडक्ट को लेके अप टू डेट डे बाय डे आपको बताया जाए, आपको कॉन्फिडेंस में लाया जाए कि भाई ये पाकिस्तानी खुद का प्रोडक्ट है, ठीक है। आप किसी स्कैम के अंदर नहीं हो। देखो, स्कैम होना और नुकसान होना एक दोनों डिफरेंट बातें हैं। आप इस वक्त स्कैम में नहीं हो, आप नुकसान में हो, ठीक है। नुकसान में उस वक्त तक हो गए जब तक आपने प्रॉफिट नुकसान के अंदर जो है वो सेल नहीं किया, नुकसान बुक नहीं किया, ठीक है। लॉस बुक नहीं किया तब तक आप लॉस में नहीं हो, ठीक है। यकीनन उन लोगों के लिए भी मैं बात करता चलूं कि जिन्होंने बड़ी प्राइस पे लिया है, तो याद रखो कि अभी प्रेजेंट टाइम में आपको कोई कंटेंट कोई वीडियोस नहीं मिल रही, ठीक है ना। लेकिन किसी दिन किसी अंग्रेज ने इस वीडियो को बना दिया ना कि स्टैंडअप कॉइन को लेके वीडियोस रिलीज कर दी, तो ये बात याद रखना कि लोग जो है वो बड़ी से बड़ी प्राइस के ऊपर लेने के ऊपर भी जो है वो खुश हो रहे होंगे, अप्रिशिएट कर रहे होंगे, अपने आप के ऊपर जो है वो खुशी का इजहार कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो आपने शायद आप शायद उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि लोग जब $1 पे $2 के ऊपर बाय कर रहे हैं और फिर ये कहे कि यार ठीक है अभी भी प्राइस जो है वो अंडर वैल्यू है, तब या फिर अब ये सवाल आपने ये सोचना आपने, ठीक है ना। क्रिप्टो करेंसी का बेसिक फंडामेंटल क्या है कि आप किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस पे कर रहे हो आपको इस चीज़ को समझना पड़ता है कि आप उसकी प्राइस जो पे कर रहे हो उसकी उतनी वैल्यू भी आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही, ठीक है। जितनी प्राइस है उतनी वैल्यू भी आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, ठीक है। अभी आप प्रेजेंट टाइम में चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ठीक है। देखो, पूरे महीने का खाना आप एक दिन में नहीं खा सकते। अब आप ये मोस्ट रिस्पेक्टिवली मैं बात करूँ तो आप वकार जका से किस तरीके की कैसे उम्मीद लगा सकते हो कि यार पूरे साल का काम एक ही दिन में हो जाएगा, एक ही महीने के अंदर हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। चीज़ें बड़ी होती है, बिल्ड होती है, वक्त लगता है, बड़ा टाइम लगता है, ठीक है ना। हाँ, याद रखो जब भी आप जाएगी आपको प्रॉफिट देगी, ठीक है। यहाँ पर आपको फाइनेंशियल एडवाइस दी जा रही है या कि आपको जो है वो ये नहीं कह रहा है कि आप बाय करो, ठीक है। आपने अपनी खुद की रिसर्च और ड्यू डिलिजेंस करनी है और फिर ही पोर्टफोलियो जो है बिल्ड करना है। मेक श्योर करो आप पहले अपनी रिसर्च करो, अंडरस्टैंडिंग करो, ठीक है। एक बात बताता चलूं, देखो किसी भी प्रोडक्ट को ब्रांड बनने के लिए बहुत वक्त लगता है, ठीक है, बहुत मुश्किल होती है। कामयाबी सिर्फ इतनी सी चीज़ होती है, ठीक है। हर बंदे के लिए कामयाबी की एक अलग अलग डेफिनेशन है, कामयाबी इतनी सी होती है, लेकिन उस इतनी सी कामयाबी के लिए जो मेहनत होती है, वो कोशिश होती है ना, वो इतनी बड़ी होती है, ठीक है ना। तो वो कोशिश, इतनी बड़ी कोशिश वो एक दिन में एक साल में नहीं होती, ठीक है। आई होप मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात कर लूँ आपको किस किस लेवल के ऊपर किस प्रोडक्ट को बाय करना चाहिए, तो ये चीज़ को समझ लो कि भाई आपने सबसे पहले प्रेजेंट 3 स्टेप के अंदर बाय करना है, ठीक है ना। किस तरीके से? पार्शियल एंट्री लेनी है। प्रेजेंट टाइम में अगर आपको लग रहा है कि ठीक है एवरेज है, प्राइस अभी ले लेनी चाहिए, तो आप अभी ले लो, ठीक है। एलेक्स है कि आपने $100 के अभी लिए और प्राइस जो है वो एटलीस्ट
55% या 50% या 45% इसके अंदर करेक्शन आती है या बिटकॉइन के अंदर करेक्शन आती है, तब आपने फिर एंट्री करनी है $200 की। लेट से मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, माना कि आप $10 $50 भी लगाते हैं, तब भी रेशो आपका यही रहेगा कि $50 पहले, और उसके बाद जो है जब भी आप DCA करेंगे तो $100 के ऊपर DCA कीजिएगा, और ये $1 $2 को ईजिली हिट करता हुआ मैं पर्सनली जो है वो बिलीव करता हूँ कि ये चली जाएगी, ठीक है ना। अब $1 से मजीद आगे का अगर आप पोटेंशियल देख रहे हैं या आप $1 से ज़्यादा इससे प्राइस प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, तो परेशानी की कोई बात नहीं, ठीक है। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा कि ये $1 से ऊपर किस तरीके से जा सकता है, क्या ये $1 का प्राइस डिजर्व करता है या फिर इससे ज्यादा की प्राइस जो वो डिजर्व करता है। आई होप कि आप चीज़ों को समझ में आएंगे, तो मेक श्योर करिएगा वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। उससे पहले बताते चलूं कि अगर आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और पाकिस्तान में रहते हुए जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ट्रेडिंग माइनिंग और इन्वेस्टिंग वगैरह करते हैं, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपने इस वीडियो को लाजिम देखना है, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहला जो सवाल रहता है या थोड़ा सा एक डाउट होता है इंसान को लेके, पाकिस्तानी स्पेशली पाकिस्तानी कम्युनिटी को लेके, कि भाई पाकिस्तान के अंदर इसको क्रिप्टो करेंसी को लेके क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, ठीक है ना। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं, अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं, तो इन डेप्थ इसके अंदर मैंने वीडियो के अंदर जो है वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की। अगर आपके दिमाग में किसी भी किस्म का कोई सवाल आता है तो मेक श्योर कीजिएगा कॉमेंट के अंदर बता सकते हैं। सो वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, साइनिंग ऑफ।